आपने क्या ठीक किया भाई साहब? परम श्रद्धे गुरुजी दंडवत, मैं 21 तारीख को यहाँ पे आया था और मेरा वेट 78 किलो 200 ग्राम था। अभी कल जब तोला तो 74 किलो 100 ग्राम वेट है। अच्छा, 78 से 74 आ गया 100 हाँ। ग्राम तो चलो कोई। और दूसरा, 12-13 साल से मुझे शुगर है, जो एलोपैथिक दवाई लेने के बाद मेरी खाली पेट की 114-115 रहती थी और खाना खाने के बाद जो पीपी है वो 140-145-50 तक भी जाती थी। दवाई के साथ हाँ। जो तीनों टाइम दवाई ले रहा था, लेकिन 21 तारीख से एलोपैथिक दवाई मेरी पन्नी में बंधी, जो कि तू बैग में रखी, मैंने हाथ नहीं लगाया उनको। शुगर 110 और 148 है अब, जो दवाई है। कोई नहीं ले रहे दवाई, सिर्फ यहाँ जो अपना का काढ़ा है या मधुग्रिट है, मधुनाथनी, ये दवाई ले रहा हूँ। शुगर नॉर्मल आ गया, वेट कम हो गया, एनर्जी पूरी है, मन खुश रहता है, पहले नींद अच्छी आती है। पहले दो दिन तो थोड़ा भारी सी बनी, खाने कुछ नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे जो शाम को भी एप्पल मिल जाता है, मखाने मिल जाते हैं, जूस मिल जाता है, तो उससे एनर्जी पूरी रहती है, लेकिन खाने की याद नहीं आती। मखाने मिल रहे, एप्पल मिल रहा, ये इसको तो खाना ही नहीं मानते। मखाने को, एप्पल को और जूस को तो खाना ही नहीं मानते जब तक 5-10 टिक्कड़ ना टेक दे। गुरुजी, मुझे पिछले साल नवंबर में गले में दिक्कत हुई। अब एक डॉक्टर ने बताया कि इसमें कैंसर है, फिर दूसरे ने बोला कि टीबी है, तो इसकी लिंगियास्कोपी वगैरह वो कराई गई। लेकिन जब कैंसर बताया तो उसने कहा भी कैंसर मुझे हो सकता है कुछ भी गले में, लेकिन तुम इसकी पैट सीटी कराओ। तो मैंने उसकी पैट सीटी कराई, तो पैट सीटी बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। लिंगियास्कोपी में वो लिखा हुआ है कि वोकल कॉर्ड इररेगुलर है। हाँ हाँ, तो उसमें जो है दवाई तो मैंने कोई खाई नहीं एलोपैथी अभी तक, लेकिन नवंबर में तो थोड़ी आवाज़ बैठ गई थी, अभी थोड़ी चुभन होती है गले में हल्की कभी कभी। कुछ नहीं, अब वोकल कॉर्ड इरेगुलर हो रहा है भाई। एलोवेरा सुन लो, एलोवेरा जी, हल्दी और अमरूद के पत्ते, 100 ग्राम एलोवेरा का पत्ता ले लिया, जाओ महात्मा जी, एलोवेरा, हल्दी, एलोवेरा, हल्दी, हल्दी कच्ची हल्दी 5-10 ग्राम की गांठ, 10-1 पत्ते अमरूद के, मिक्सी में डालो, क्रश कर लो, थोड़ा पानी डाल देना और छान लो, और इसे गरारे करो 2 दिन में ठीक। 4 दिन से मुझे बहुत आराम है, जो गरारे में कर रहा हूँ जाके वहाँ पे। अब ये वाला इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। मेरी वाइफ जो है साथ आई है। कितनी उम्र है? मेरी 64। 64 साल की उम्र है। अब ये 50-60 साल के बाद में ना, किसी के तो जैसे अभी नोएडा से बहन आई थी, किसी के तो 40-45 के बाद ही बहुत बुरी हालत हो जाती है शरीर। डिस्क भी है, सर्वाइकल भी है, तो कई बीमारी, मतलब पूरा पूरा ताना बाना हिल जाता है। हाँ, सब साथ लेकर चल रहा हूँ, पर चल रहा है काम जी, योगा था अपना। अब सारी चीजें ठीक हो जाएगी, 100 साल तक बढ़िया जीओगी। हाँ, ऐसे लटर पटर होकर के नहीं, घिसट घिसट के नहीं जीना। हाँ, रोगों के साथ, बीमारियों के साथ लाचार होकर के नहीं जीना, बीमार होकर के नहीं जीना, स्वस्थ होकर के जीना, ये आपका हौसला होना चाहिए। कच्ची हल्दी, अमरूद और क्या बताया उसने? एलोवेरा। एलोवेरा घर पर लगवाया बहुत है, तब जो लगाए उसका प्रयोग करना चाहो। मंडूक आसन से लेकर के क्या बोला था, गोमुख आसन तक, और लेट करके पवन मुक्त आसन। मोटापा के लिए तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन बताया था। पवन मुक्त आसन करो बेटा, आप भी देवार्चना जी कर रहे, इधर लगा रखा उनको काम पे। क्या नाम भाई साहब? अनुज चौधरी। अनुज जी, स्वामी, हाँ, क्या फायदा हुआ? स्वामी जी, मुझे 2009 में पढ़ाई करते करते, पढ़ाई बहुत की, पर 2009 में आके मुझे सिर दर्द बहुत होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर में खुजली बे इंतहा हो गई, नीचे बेल्ट से नीचे के पोर्शन में इतनी खुजली, बहुत दवाइयाँ लगाई, जैसे भी किसी ने बताया, खदरा रेस्ट, 10 मूला रेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सब खाई। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे जब बरसात का सीजन आता था, गर्मी आती थी, पूरा शरीर बरसात में तो ये बहुत पूरा शरीर घमोरियों से लग जाता था, जैसे एक और स्किन के ऊपर लेयर जम गई है, पूरी लाल लाल, पूरा बनियान तक भी नहीं पहना जाता था। कपड़े पहनना एक मर्यादा है समाज में, वो करनी पड़ती है मजबूरी में, लेकिन बिल्कुल पहनने का मन नहीं करता था। और उसके बाद धीरे धीरे, अच्छा एक तो ये सिंथेटिक कपड़े क्यों पहनते हो भाई? जिस किसी को देखो
90% लोग हिंदुस्तान में सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े नहीं पहनते, वो चमड़ी के दुश्मन हैं। ऊपर केमिकल लादे फिरते रहते हो, केमिकल वाले कपड़े, केमिकल वाले साबुन, केमिकल वाले शैम्पू, केमिकल वाले फेस वॉश, केमिकल वाले फ्लोर क्लीनर, सारे चारों तरफ जहरीले वातावरण में जीते हो। अब चलो इसको तो और उधड़ गए। कल तो एक बेटी आई, उसको देख करके पूरा शरीर उधड़ा हुआ, जैसे बता रहा भाई ऐसे ही उसका शरीर पूरा उधड़ा हुआ। वो भी बोले स्वामी जी क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? वो बेटी माने शरीर ऐसा उसका कि उस देख करके दूसरे को डर लगे, ऐसे उधड़ जाता है स्किन प्रॉब्लम्स में। फिर देते हैं स्टीराइड एलोपैथी में, तुमने तो नहीं खाया? नहीं, दवाई तो बस आयुर्वेदिक की ली थी शुरू से, लेकिन एलोपैथी की कोई दवाई मैंने आज तक नहीं खाई। ये अच्छा काम किया। फिर शुरू से ही पता नहीं, ये ज्ञान था, तब तक आपके साथ परिचय नहीं हुआ था, चाहे वो टीवी था या कोई और माध्यम, कैंप वगैरह थे, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई नहीं खाई जी, एलोपैथी की नहीं खाई। हाँ, उसके बाद 2011 में स्वामी जी मुझे धीरे धीरे कब्ज होने लगा, और 6-6 दिन तक मेरा पेट साफ नहीं होता था, 6-6 दिन तक। बड़े बुजुर्गों ने, माता पिता ने बताया भाई पानी पिया करो, पानी भी पीता था, गर्म पानी भी, गुनगुना पानी पीता था, उसके बावजूद ही मुझे 6-6 दिन तक पेट साफ नहीं होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे 2013 में आके यहाँ कंधे के पास एक गांठ हो गई। अचानक मेरा भांजा मेरे पास रह के पड़ता था, तो उसने अचानक कहा कि ये गांठ तो आपकी फूलती जा रही है, ऊपर को निकलती जा रही है। उसने अचानक दबाया तो उससे 2 चम्मच स्वामी जी पस निकला, वो अंदर 2 चम्मच पस निकला, गंदगियां जमती रहती, यही टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स हैं, और 1 इंच गड्ढा हो गया, 1 इंच गड्ढा हो गया, 2 चम्मच मवाद निकली, पस निकला। फिर स्वामी जी मैंने 32 साल तक पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, मैं पंजाब से हूँ और जिला तरनतारन में जिला स्पेशल एजुकेटर हूँ पंजाब शिक्षा विभाग में, और वहाँ पे पंजाब में टॉप 5 ट्रेनर्स में, मास्टर ट्रेनर्स में, चलो मैं ट्रेनिंग देने का काम होता है, लेकिन वो भी आज मुझे योग के माध्यम से जानते हैं। 2016 में आके मेरी मौसी जी ने बताया कि स्वामी जी के कैंप होते हैं 2015-16 के आसपास, तब मैंने आपको एक वार्तालाप के जरिए आपसे परिचय हुआ। फिर धीरे धीरे आस्था चैनल देखा, 2018 में आके मैं महीने में 30 दिन में कोई 15-20 दिन योगा करना शुरू किया, इसी में फिर मैंने एक PG डिप्लोमा इन योगा थेरेपी की। आके मैं कहा चलो इसको और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जाने। अब तो स्वामी जी मैं सही बताऊं तो पिछले 3-4-5 सालों में TV पे देख के आपको रोज़ सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक योगा करता हूँ, और बस मैं आपका एकलव्य हूँ स्वामी जी। गुरु को आज देखा है लेकिन प्रतिमा में रोज़ देखा है, और इतना अच्छा लगता है कि मैं कहता हूँ भाई मेरा खाने का भी स्वामी जी कोई टाइम नहीं है, 14-15 घंटे मैं काम करता हूँ, जो भी कुछ मुझे मिला है 3-4-5 सालों में सब योग की करामात है, मेरा 1 रुपया कमाया हुआ मेरे 1,00,000 रुपए के बराबर लगता है, केवल आपको देख के, आपके विचारों को सुन के आया, नहीं तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था। पढ़ाई में बस इंफॉर्मेशंस का डेटा बैंक हो जाता है, खाली सूचनाओं से नहीं, इंफॉर्मेशन ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी तो आना चाहिए ना। तो ये पढ़ाई के साथ साथ ये जो अंदर जो रूपांतरण है, इंफॉर्मेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, योग से आया पूरा खुद बदल गया, पूरे परिवार को बदल मेरा गया। स्वामी जी 95 किलो वजन हो गया था धीरे धीरे, उस समय 2014-15-16 में आपके इस योग को करने से पहले, और इस समय मेरा वजन जेड़ा 76 kg है और 5'9" हाइट है, लगभग चलो नॉर्मल के आसपास है स्वामी जी। मैं 20 मिनट, वो तेरी स्किन डिजीज कहाँ गई? स्किन डिजीज तो मेरी 6 महीने में ही सारी डिजीजें चली गई, स्किन क्या मेरी सारी डिजीजें चली गई। आज मैं पानी नहीं भी पीता हूँ तो पेट साफ मेरा सुबह 4 बजे हो जाता है, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। 6-6 दिन तक पूरा कोठा भर जाता था। आज भी स्वामी जी 3 साल पहले से मेरा कार्यशैली कुछ ऐसी है, सुबह खाना नहीं भी बना मैं चला गया, दोपहर को नहीं मिला कोई परवाह नहीं, शाम तक मुझे खाना नहीं मिलता ना स्वामी जी, ऐसी ताकत बनी रहती है कि बस पता ही नहीं लगता कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। चलो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अब तो स्वामी जी एक इच्छा है, प्लीज मुझे अपने शरण में ले लो, मेरा सेवा करने का यहाँ मन करता है। जो कार्यशैली आपके पास है वो मुझे सरकार नहीं दे रही, मैं आपकी कार्यशैली में सेवा करना चाहता हूँ, पूरा 100% आपके साथ डिवोट होना चाहता हूँ। लोग सरकारी आपके साथ 17 घंटे काम करूंगा स्वामी जी, मुझे अपनी शरण में।
लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, ये असर आपके पास। स्वामी जी मुझे जो कहोगे वो काम करूंगा मैं, अपनी शरण में ले लो प्लीज। चलो अभी बच्चों की शादी ब्याह कराना, फिर ले लेंगे, वो सब हो जाएंगे अपने आप। चलो भाई इसके लिए जोरदार ताले बजाओ बच्चे के लिए। मैंने दो बच्चों को बुलाया जिन्होंने अपना कैंसर ठीक किया है। ये अभी योगग्राम में थे, जब मैं दो दिन पहले योगग्राम में था। संगीता और अनुभव, छोटे बच्चों को कैंसर हो गया है। अनुभव इधर आओ दौड़ के, और संगीता भी आ जाएंगे, यहीं से आ जाओ। तो अब इस बच्चे को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप में से भी कैंसर के, हर समय यहां 50-100 लोग भर्ती रहते हैं कैंसर के, इसका या मुंह के ऊपर कैंसर यहां से फैल करके और पूरा इसका ये जबड़ा और गले तक पूरा जकड़ लिया था, और ब्लड कैंसर। अब इसका बाप है, इसका पिता आया, वो इधर आ जाओ पीछे। तो उसको ये लगा कि भाई मेरा बच्चा तो गया। फिर ये पिछले साल मेरे पास आए थे, कब आए थे बेटे? बाबा जी प्रणाम। बाबा जी बहुत हम परेशान थे बच्चे को लेकर के। सबसे पहले कोरोना 2019 में हम जयपुर में 35 लाख रुपया अपना 4 बिस्वा जमीन बेच करके लगा दिए बच्चे को। 35 लाख रुपया। फिर वहाँ से डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हम घर पर लेके चले आए। तो 35 लाख लगा के मिला क्या? कुछ नहीं मिला बाबा जी, बस चिपक गया था, और उस रोग तो उसी तरह था, जकड़ा था अंदर से। जब लो सिटी स्कैन कराया था तो उसमें 35 बिस्वा जमीन जो भी थी बेच दी। 4 बिस्वा बाबा जी, कहाँ से? यूपी गाजीपुर से। अपनी जमीन बेच दी, 35 लाख रुपए हॉस्पिटल में चढ़ा दी, और कुछ भी नहीं मिला बाबा जी। फिर आपके पास आए, हम आपके टीवी पर मैंने देखते थे आपका सारा पतंजलि का जो भी था, हम प्रोजेक्ट अपना यूज करते थे बाबा जी। तो आपसे यहाँ पर मिलने योग ग्राम चले आए, और तीसरी बार हम आए हैं बाबा जी, और एकदम फिट है बच्चा हमारा। अब रिपोर्ट करवाई है? हाँ जी, एकदम कुछ नॉर्मल है सब। सारी रिपोर्ट कल मैंने भी दो दिन पहले इसकी सारी रिपोर्ट देखी है, वो यहाँ रख भी लिया एक प्रति उसकी, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। और ये बच्चे को यहाँ पूरा यहाँ से लेकर के गले से, मुंह, गला और फिर ब्लड में कैंसर आ गया था। कितनी देर प्राणायाम करता बाबा जी? प्राणायाम तो बहुत कम करता है, लेकिन वही स्कूल भेजाना पड़ता है, और थोड़ा सा अपना वो लग नहीं सही। दवाई करने से ही फायदा हो गया जी बाबा जी, लेकिन बेटा प्राणायाम भी। आपके आशीर्वाद से सब कुछ एकदम सही चल रहा है एकदम। अब ये छोटा सा बच्चा, क्या नाम है इसका? अनुभव रहा है। अनुभव जो है, अब इस उम्र के बच्चों को भी, इससे भी छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन में ट्यूमर। तो ये बच्चे को मैंने इसलिए बुलाया कि या जितने भी कैंसर के पेशेंट, कुछ तो बहुत एडवांस स्टेज के हैं, सारे काम छोड़ करके, अब इसको तो बच्चा था, थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाता है, बच्चों में रिकवरी जल्दी होती है, सारे काम छोड़ करके केवल योग करूं, 2 महीने, केवल 2 महीने में कैंसर रिवर्स। ये तो अनुभव की बात थी। और ये दूसरी बड़ी बेटी है हमारी गीता, क्या हाल है तुम्हारा? हाँ, स्वामी जी नमस्ते। मेरे को 2016 में कैंसर हुआ था, और मैं योगा, प्राणायाम और दवाइयाँ वो सब करके एकदम आज नॉर्मल हूँ। 18 में ही मेरा एकदम ठीक हो गया था कैंसर। मेरे को डॉक्टर उधर में, मैं 3 दिन में 4 डॉक्टर को दिखाई थी, तो चारों डॉक्टर मेरे को बोले आप अभी एडमिट हो जाइए, आपका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करा के इधर का वो करके इधर आ गई, योग ग्राम में आके 1 हफ्ता नेचुरोपैथी किया। नेचुरोपैथी करने से मेरे को बहुत आराम मिला, मिट्टी पट्टी से मेरे को बहुत आराम मिला था, और साथ में नेचुरोपैथी सारी ट्रीटमेंट दवाइयाँ वो सबसे, और इधर से मैं शीर्षासन सीख के गई, और उधर जाके मैं शीर्षासन भी करने लगी, और 1 घंटा सुबह में 1 घंटा शाम को कपालभाति करती थी, और सुबह में और शाम को आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम करती थी। ये सब करने से मेरा एकदम कैंसर क्योर हो गया। आज मैं इतनी स्वस्थ हूँ कि मैं 18 घंटा काम करना है तो मेरे को थकान नहीं होती है, इतनी मैं अस्वस्थ हूँ। मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से है, अब 18 घंटे भी काम करती है तो थकान नहीं होती? मैं रोज सुबह में 4 बजे उठ जाती हूँ, 4 बजे उठ के बाबा जी का जो पहले का
प्रोग्राम होता है वो देख के मैं पहले करती हूँ, उसके बाद लाइव वाला करती हूँ। पहले 4 बजे से जो टेलीकास्ट होता है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम आता है, पहले उसको फॉलो करती है और फिर लाइव जुड़ जाती है और रोज रूटीन से फॉलो करती है। अब किस जगह का कैंसर था? मेरे को यूट्रस का कैंसर था। यूट्रस कैंसर पूरा ठीक कर। और खाने में भी मैं सुबह में स्प्राउटेड मूंग फ्रूट जूस वही सब खाना खाती थी और शाम को संयम पूरा। शाम को मैं पका हुआ खाना खाती थी, 2 बार ही खाना खाती थी। जो बोला था कि जब आप 2 बार खाना शुरू करेंगे तो जो इंटरमिटेंट उपवास है उससे आपके आपका शरीर आपके कैंसर की कोशिकाओं को खा करके ख़त्म कर देगा। तो सुबह अंकुरित फल और सलाद बस, शाम को पका हुआ खाना जो भी उबला हुआ खाना। उस समय बाबा जी मेरे को कैंसर के कारण मेरा वेट 48 से 40 किलो हो गया था, 8 किलो कम हो गया था, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी उसके कारण। और फिर धीरे धीरे करके मेरा वजन बढ़ गया, अभी आज मेरा वजन 50 किलो है। 40 किलो वजन हो गया था, सूख गई थी कैंसर से। अब वापस और 2 बार खाना खा करके, एक जो ये गलत फहमी है लोगों के भीतर, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, खाना नहीं खाओगे तो तर जाओगे, मर जाओगे नहीं, थोड़ा हिसाब से चीज़ों को खाओ भी, जीव की लालच से बाहर निकलो थोड़ा। तो ये अनुभव और गीता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, इन दोनों ने कैंसर को पराजित किया है। गीता का तो ये अनुभव है कि इसने एलोपैथी की तरफ गई नहीं, रेडिएशन क्यूमो या ऑपरेशन में गई नहीं, और इस बच्चे को, अब बच्चा है तो माँ बाप को भी लगता है भाई अब कुछ भी हो बच्चे को तो बचाना है, और सब घर में भी परिवार में भी कहते हैं फिर ये घर परिवार जमीन किस काम आएगी, तो बेच दी, 35 लाख रुपए खर्च कर लिए। और फिर डॉक्टर ने बोला भाई हमारे बस की बात नहीं है, ये पीछे बैठा बैठा बोल रहा है कि डॉक्टर ने फिर जवाब दे दिया कि भाई अब जहाँ भी ले जाना है वहाँ ले जाओ। चलो हमारे हिस्से में ऐसे भी लोग आते हैं, जब डॉक्टरों की कोई बात समझ में नहीं आती, डॉक्टरों के रोग काबू में नहीं आता, फिर एक बार तो ज़रूर बोल देते हैं कुछ, तो बोले भाई अब हमारे से तो बात बनी नहीं, अब एक चांस तुम पतंजलि में भी ले सकते हो, बाबा के पास ले जाओ, चलो कम से कम मरने वाले हिस्से में आए तो सही कि भाई अब हमने तो कोशिश कर ली, हमसे बात बन नहीं रही तो बाबा के पास जाओ, अब इसको छोड़ना नहीं बाबू, ठीक है अनुभव। चलो तो मैं इसलिए, चाहे वो लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, बीपी शुगर है, चाहे और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लोगों को आपके सामने रखता हूँ कि आपको हौसला मिले। सबसे बड़ी बात है हिम्मत, होप, कॉन्फिडेंस, उत्साह, ये विश्वास कि मैं रोग पर विजय पा सकता हूँ। चलो बात आशीर्वाद, खुश हो। अब छोड़ना नहीं बेटा, 2 घंटा योग करना, बाद में पढ़ाई करना, जीवन है तो पढ़ाई भी होगी, और पहले देख ले जमीन जमीन बेच दी थी, अब ऐसा पढ़ाई कर ऐसे आगे बढ़ कि जितनी जमीन बेची थी उससे 100 गुना ज़्यादा खरीद के अपने बाप को वापस दे देना, समझा। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, मैं विजय उड़ीसा से आया हूँ। अच्छा, 2003 में बाबा जी मेरा लेफ्ट लिगामेंट का ACL लिगामेंट टियर हो गया। तो उस समय मेरे को संबलपुर से नटवर लाल अग्रवाल जी आपसे मिल के गए थे, उनके सानिध्य में आया आपसे, उनसे मैं योग प्राणायाम सीखा बाबा जी, और 6 महीना नहीं लगा बाबा जी मैं लिगामेंट अपना ठीक कर लिया। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला, मैं वाल्टेयर वाइजाक गया विशाखापट्टनम में, वहाँ का डॉक्टर भी बोला इसको ऑपरेशन साथ ही साथ करा लो नहीं तो चल नहीं पाओगे। तो अग्रवाल जी बोले मेरे को ये जरूरत नहीं है, मैं फिर योग प्राणायाम सारा कल भी जो एक भाई आया था बोल रहा था लेगामेंट का ऑपरेशन करी कतई मत कराना भाई, मैं बड़ा दुख पा रहा हूँ करवा करके ये दूसरा आ गया केस बाबा जी अभी वही 2003 का केस पिछले जुलाई में, जुलाई 17 को पुनः वही लिगामेंट फिर से फ्रैक्चर हो गया। लो जाओ ऑपरेशन करवा
फिर अब बच्चे बड़े हो गए हैं बाबा जी, उन्होंने मेरे को ऑपरेशन के लिए बहुत मजबूर कर रहे हैं। मैं बोला कराना नहीं है, अभी 90% मैं ठीक कर चुका हूँ बाबा जी, और 10% के लिए आपके चरण में आया हूँ। पूरा लेगामेंट अच्छा हो जाएगा, लाख शादी गूगल लिया करो, दूध में हल्दी शिलाजीत, और इसमें जो अपना पीड़ान तक तेल है, और अब पीड़ानील अभी तो स्प्रे भी बना लिया ना, पीड़ानील तेल, पीड़ानील स्प्रे। बाबा जी भुवनेश्वर हॉस्पिटल में था मैं, मेरे को मैं वहाँ से भाग आया और आ करके आपका प्रोग्राम से देखता था मैं, पीड़ानील तेल, पीड़ानील क्वाथ, पीड़ांतक जेल, हाँ पीड़ांतक ऑइंटमेंट है वो, और स्प्रे, ये सब लगाना चालू किया मैं, बहुत आराम मिल गया एक महीने के अंदर में। लो ये तो घर से ही शुरू करके आ रहा है बाबा जी। मैं 2006 झारसुगड़ा में आपका कैंप हुआ था, उस समय से बहुत बड़ा कैंप था झारसुगड़ा में जी बाबा जी, उस समय से मैं आपसे और सीरियसली जुड़ गया बाबा जी, आपका प्रोग्राम मैं डेली देखने लगा, और तब से मैं आज तक एलोपैथी की एक गोली नहीं खाया हूँ। क्या बात है, ये अच्छी बात है। मेरा करोड़ों लोगों ने अलग अलग जगह कैंप अटेंड किया है, उनके अंदर मैंने संस्कार योग के बीज तो डाल दिए थे, कुछ पूरे पुष्पित पल्लवित तो हो रहे हैं, कुछ थोड़े भूल भाल गए थे, अब दोबारा लौट लौट के आ रहे हैं। बाबा जी दवाइयों में मैं अभी भी, मेरा गिलोय का घर में हमेशा रहता है, कोरोना काल में बाबा जी किसी को हम लोगों का ये नहीं हुआ, कोरोनिल किट हम लोग ले रखे थे, मैं कोरोना हुआ ही नहीं किसी, बिल्कुल किसी को नहीं हुआ, मेरे भतीजा को हुआ बाबा जी, और उसका लंग्स इफेक्ट हो गया, मैं उसको डेली छत पे ले जा करके आपका ऑक्सीजन सिलेंडर देने लगा बाबा जी। मेरा कौन सा ऑक्सीजन सिलेंडर है? आप जो बताते हैं। मैंने कोरोना के समय बताया तो बड़ी मजाक उड़ाई, मैंने कहा भगवान ने दो दो ऑक्सीजन सिलेंडर राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल दे रखे हैं, इस ऑक्सीजन सिलेंडर के चक्कर में चारों तरफ हाय तोबा मचा रखी, मैंने कहा दो दो ऑक्सीजन सिलेंडर परमात्मा ने दे रखे हैं, इसका यूज नहीं करते और इधर उधर भागे फिरते हैं बावड़े कहीं के। वही ऑक्सीजन सिलेंडर से बाबा जी उसका ऑक्सीजन लेवल जो डाउन हो रहा था वो 2 दिन में 95 आ गया। क्या बात है? और उसको घर में ही डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोल रहे थे, मैं घर पे ले आया था, छत पे ले जाता था डेली बाबा जी, छत पे ले जा करके 500 कोरोनिल किट में बांटा हूँ बाबा जी, 500 कोरोनिल किट बांटा। कोरोना के समय लाखों करोड़ों की जिंदगी पतंजलि ने बचाई है, ये सारी दुनिया जानती है, और कुछ को कोरोनिल दे के, कुछ को गिलोई पिला के, तुलसी पिला के, अणु तेल, सरसों का तेल, छोटे छोटे उपाय बता बता कर। हमारे भतीजे की छोटी बच्ची है बाबा जी, अभी भी अगर उसको कुछ हो जाता है तो मेरे को फोन आता है कि दादाजी मेरे को मामा ने गिलोई नहीं पिलाया। लो ये बच्चों से शुरू हो गया। क्या बात है, अभी बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बोलते मुझे गिलोई नहीं पिला इसलिए मैं बीमार हो गई, मेरे को गिलोई पिलाओ। ये अच्छी बात है, बहुत आशीर्वाद।